अस्सलाम वालेकुम। अगर अपन नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ वीडियो को अंत तक लास्ट में देखना। नंबर एक, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे न उतरे या हराम और न जायज है। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो तौबा करें, इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर दो, मर्द और औरत को एक दूसरे की चरमगा यानी सतर को देखना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकामे महसूस यानी शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए कि इससे इंसान यानी हाफजा कमजोर होने का खदशा है और नगाह भी कमजोर हो जाती है। नंबर तीन, हम मिस्त्री से इत्तलाम और नजूर यानी मनी खारज होने के बाद जब दूसरी मरतबा सोबत करना चाहता है तब भी सतर यानी शर्मगाहें लाजमी धो लें और कुछ वक्फे दे दोबारा हम बिस्तरी करें। बेहतर ये है कि दोबारा हम बिस्तरी करने से पहले वजू कर लें या गुस्ल कर लें। नंबर चार, मर्द और औरत बिल्कुल यानी नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि इससे बेहया औलाद पैदा होने का अंदेशा है और ये हम बिस्तरी का सबसे बड़ा अदब है कि हम बिस्तरी करते वक्त कमरा चारों तरफ से बंद हो ताकि कोई आपको देख न सके। अगर कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान हो तो भी बंद कर दे ताकि आपकी आवाज़ें बाहर न जा सके। नंबर चार, नंबर पाँच, हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि अपने जिस्म को साफ रखें, गैर जरूरी बालों को जिस्म से साफ करें ताकि हम बिस्तरी के दौरान दोनों को बदबू महसूस ना हो और रोमांस करने में दोनों को मजा आए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया।